दुकान के बाहर ऐड देखा रहेगा, जीरो कॉस्ट ईएमआई, बजाज वाला लोन देता है, मोबाइल शॉप, सो मेनी मोबाइल शॉप डिस्प्लेस है, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस सब्सिडरी ऑफ बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, दीज कंपनीज, ओके, हीरो होंडा, टीवीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बिरला, ऑल दीज शेयर्स आईपीओज, व्हेनेवर दे लॉन्च दे हैव क्रिएटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स. ओके, सो बोलने का मतलब जरूरी नहीं है प्रीमियम पे आए तो इट्स अ बैड कंपनी, ज्यादा लूट रहा है, गुड कंपनीज कैन गिव गुड रिटर्न्स इन फ्यूचर एंड दे विल इंक्रीज. ओके, नाउ दो चीजें हमने डिस्कस की, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रीमियम, दोनों पॉइंट्स क्लियर. ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ज्यादा शेयर्स पे पैसा आ गया, पैसे ज्यादा आने पर यहाँ पे प्रेजेंट डे में प्रैक्टिकली क्या होता है याद है, समझा ये पार्ट, प्रेजेंट डे में कंपनी विल रिफंड क्योंकि एक्स्ट्रा अलॉटमेंट अलॉटमेंट मांगने का कुछ जगह बचा नहीं है, बराबर. दूसरा चीज प्रीमियम, प्रीमियम कैसे चार्ज करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट, मार्केट अच्छा है ज्यादा प्रीमियम, मार्केट बुरा है कंपनी. नाउ लेट अस डू द सम, वापस जाते हैं थोड़ा पीछे और स्टोनेज पे, सम नंबर 20, 20th सम ले लो, मैं तुमको एक मैसेज भेजेगा उसमें 10-12 कंपनी IRCTC का IPO अभी निकला, वेरी गुड, अपडेटेड अभी रिसेशनल मार्केट में दो दिन, अभी पता है किसी ने अगर ट्रैक किया होगा विदिन टू डेज मार्केट 2000 पॉइंट बढ़ा है, 3000, एक दिन 2000 एक दिन 1000, क्यों बढ़ा, टैक्स कम किया, कंपनी का कॉर्पोरेट रेट ऑफ टैक्स 28% से इट केम टू 25% कर दिया, तो एक्चुअली 3% खाली टैक्स कम हुआ, 3% अगर टैक्स कम हुआ तो तुम्हारा क्या है, शेयर का भाव जो है 100 रुपए बढ़ते थे 97 भर हुए, तो 3 रुपए से प्रॉफिट बढ़ गया, 3 रुपए से ईपीएस बढ़ गए, तो 3 × P उतना प्राइस बढ़ेगा, तो 10-15% हर एक शेयर का भाव 10-15% बढ़ गया, तो पब्लिक को लगा वापस बूम चालू हो गया और उसने आईपीओ लॉन्च कर लिया, IRCTC इंडियन रेलवे केटरिंग सर्विस है ना, 600 या 700 करोड़ का आईपीओ है, स्मॉल आईपीओ इट इज, बट इट उसने बूम समझ के अभी लॉन्च कर दिया रिसेंट, अब तक रुका हुआ था 6 महीने से रुका हुआ था, क्यों रुका हुआ था, मार्केट वॉज इन रिसेशन, अभी एक आईपीओ आया आईपीओ IRCTC का, चलो सम नंबर 20, बॉस्टन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakhs डिवाइडेड पेज 113. बॉस्टन कंपनी लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakhs डिवाइडेड इंटू 1 lakh इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच. मिला ऑथराइज कैपिटल का कोई लेना देना, The company issued 80,000 shares of 10 at a premium of 4 per share. So, either are the shares issued at 10 or at premium? How much is premium? 4 rupees. 10 rupees ka share, 4 rupees premium pe aaya. 14 rupees mein issue aaya. Abhi, the company issued 80,000 shares. Issue is of 80,000 shares, 10 each at a premium of 4. How is the breakup? See now, every shareholder is supposed to pay 10 rupees or 14 rupees. 14. Premium samjha na? Zyada achha price chal raha hai, market booming hai, 4 rupees profit bana raha hai company. So, 14 rupees ka breakup dekho, it is 2 on application, 7 on allotment udhar dikh raha hai, including premium. So, can I say this is 3 plus 4? 3 towards capital and 4 towards premium. Yes. Then, aur kitna bacha? 2 on 3. 2 on first call and 3 on final call. If you add this up, you should get how much? 14. Dekho, 10 rupees ke jagah abhi 14 bar raha hai na? 14 mein 4 rupees premium hai.
प्रीमियम कौन से पार्ट पे पड़ा हुआ है? अलॉट जो मैंने एग्जांपल दिया था ना उसमें 10 रुपया 160 पूरा साथ में मांग लिया, इसलिए बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम पास किया। यहाँ पर एक पार्ट में पड़ा होगा, ये प्रीमियम किसके साथ है? यू नीड टू रीड द प्रॉब्लम एंड चेक। इट मे लाई विथ अलॉटमेंट, इट मे लाई विथ फर्स्ट कॉल, इट मे लाई विथ एप्लीकेशन, इट मे लाई विथ सेकंड कॉल, इट मे लाई हाफ विथ अलॉटमेंट, हाफ विथ एप्लीकेशन, हाफ विथ अलॉटमेंट, हाफ विथ फर्स्ट कॉल। जिधर पड़ा है उधर मांग सकता है प्रीमियम। ओके, कंपनी का चॉइस रहता है जो पार्ट में चाहिए वो पार्ट में डिसाइड करके ले सकते हैं। देन एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 90,000 शेयर्स, सो इज इट ओवर सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड? 80,000 शेयर्स का इश्यू था और 90 का एप्लीकेशन आ गया, सो ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, तो एक्सेस मनी है। दो ऑप्शन है, या रिफंड या प्रोरेटा। पढ़ो, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स आर रिजेक्टेड एंड द मनी वॉज, तो इधर कुछ भी प्रोरेटा है नहीं, तो कंपनी ने क्या किया, 90,000 को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, लेटेस्ट से ए बी। जिन्होंने 10,000 शेयर्स अप्लाई किए थे उनको रिजेक्ट कर लिया। रिजेक्ट किया मतलब उनको एक भी शेयर अलॉट नहीं, वापस पैसा रिफंड। तो जिन्होंने 80,000 अप्लाई किए थे सेकेंड कैटेगरी, उसको कितने अलॉट हुए? फुल 80,000 अलॉट हो गए। कैन आई से दिस? तो ये सब खुश, वो सब निराश, और सबको रिजेक्ट करके भेज दिया घर पे, पैसा दे दिया वापस। मुझे एक बात बताओ, इस कैटेगरी में कुछ भी एक्सेस पैसा है कंपनी में? अभी नो एक्सेस मनी विद द कंपनी। व्हाटएवर एक्सेस मनी वाज देयर वाज रिफंड, रिफंड हमने एक्सेस में रिफंड भी किया है। अब इधर नया है प्रीमियम, प्रीमियम के साथ एंट्रीज करनी, ठीक है? आगे बढ़ो। पी वॉज अलॉटेड 500 शेयर्स, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑन 500 शेयर्स, मिला। क्यू वॉज अलॉटेड 800 शेयर्स, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। Above shares were forfeited and reissued at 9. First entry, tell me. Bank to equity share application account. थोड़ा logic, थोड़ा common sense use करो और बताओ कितने shares पे पैसा आया? 90 पे आया, 80 पे आया? 90. तीनों समझ रहे हैं, व्हाट इज 1 लाख, व्हाट इज 90, व्हाट इज 80, व्हाट इज 1 लाख? अपर लिमिट, पीस ऑफ इन्फो, इग्नोर इट। कितना इश्यू किया? 80 तो इश्यू किया, पैसे कितने के आ गए? 90 के आ गए, सो ओवर सब्सक्राइब्ड है। सो 90,000 इनटू व्हाट? 2 कितना होगा? 1,80,000 हो जाएगा ना, बराबर है कि नहीं? दिस इज एप्लीकेशन रिसीव। मुझे एक बात बोलो, क्या कंपनी पूरे 1,80,000 रख सकता है क्या अपने पास? नहीं रख सकता है, ज्यादा पैसा है तो जेब में नहीं डाल सकता है, उसको क्या करना है? यहाँ पे रिफंड करना है। ओके, अगर प्रो रेटा होता तो क्या करते? अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते, एक्सेस पैसा इधर किया था ना एंट्री टू अलॉटमेंट सेकेंड में, तो रिफंड करना है। ओके, यूजुअली व्हाट इज योर सेकेंड एंट्री? एप्लीकेशन टू कैपिटल। अब क्या हो जाएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू बैंक। वेरी गुड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू व्हाट? ये समझा? यस, टू बैंक। पहला बैंक टू एप्लीकेशन, अभी एप्लीकेशन टू बैंक, ये रिफंड कर दिया तो टू बैंक। अगर प्रो रेटा होता ना तो इधर आ जाता टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में क्रेडिट कर देते, कल किया था ना लास्ट लेक्चर, फिर अलॉटमेंट में उतना पैसा कम लेते, प्रो रेटा होता तो इधर रिफंड कर। एप्लीकेशन में तो लिखोगे पूरा 1,80,000 नलिफाई कर रहे हो, कैपिटल में कितने शेयर्स का इश्यू था? 80,000। 80,000 इंटू व्हाट? वेरी गुड, 1,60,000, तो 20,000 रिफंड हो जाएंगे। कौन से 20 हो, समझ रहे? ये रिजेक्टेड, 10,000 जिनने तो 2 रुपया भरा ना, उनको कर दिया रिफंड, सो टू बैक। दिस इज एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस एडजस्टेड, इज दिस क्लियर? एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस एडजस्टेड, कंफर्टेबल? अभी
पहला दो एंट्री समझा, एक्स्ट्रा हमने रिफंड कर दिया, अभी कितने शेयर है हमारे पास? 80,000. नाउ ऑल द एंट्रीज विल बी पास एज पर 80, राइट? यस, अग्री. थर्ड एंट्री यूजुअल इज व्हाट? अलॉटमेंट टू कैपिटल. यहाँ पर यस प्रीमियम भी है, दिख रहा है? अलॉटमेंट प्रीमियम. अलॉटमेंट टू प्रीमियम टू कैपिटल. प्रीमियम इज प्रॉफिट. तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम अकाउंट. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम. सर शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम सेम है? क्या फर्क है उसमें? शेयर प्रीमियम कैन बी यूज ओनली फॉर शेयर, सिक्योरिटीज कैन बी यूज फॉर शेयर्स, डिबेंचर्स कम्बाइंड, ऑल टाइप्स ऑफ इश्यूज. इज इट क्लियर? तो डिबेंचर प्रीमियम इज फॉर डिबेंचर, शेयर प्रीमियम इज फॉर शेयर, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज कॉमन अकाउंट, यूज फॉर बोथ. दोनों लिख सकते हो, शेयर प्रीमियम भी राइट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी राइट. ठीक है. नाउ अलॉटमेंट में देखो, अभी ये अमाउंट से आंसर देखना, कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट मांगोगे तुम? 80,000. टोटल मांग रहे हो 7, उसमें से कैपिटल कितना है और प्रीमियम कितना? 3 रुपए कैपिटल का, 4 प्रीमियम का. तो इधर कैसे लिखोगे? अलॉटमेंट में तो जाएगा 80,000 इंटू 7, 5,60,000. उसमें से कैपिटल में जाएगा 80,000 इंटू 3. क्यों समझा? कैपिटल में ट्रांसफर ओनली द फेस वैल्यू, कैपिटल का वैल्यू 10 रुपया. प्रीमियम प्रॉफिट कितना है ऊपर का? 80,000 इंटू 4, दैट्स 3,20,000 रुपीज. तो कंपनी को अच्छा प्राइस मिला, 3,20,000 का अभी प्रॉफिट हो गया, ज्यादा पैसे आ गए बिकॉज प्रीमियम पे लॉन्च किया. यही अगर पार पे करता तो खाली इतने मिलते, 2,40,000 मिलते, 3,20,000 और आ गए और रिजर्व. नो डाउट दिस रिजर्व बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, उनका ही पैसा है, बट ज्यादा मिल गया, बूमिंग मार्केट था, ज्यादा ग्रोथ का चांस बढ़ गया. दिस इज अलॉटमेंट ड्यू एंड प्रीमियम एडजस्टेड. अलॉटमेंट ड्यू एंड प्रीमियम एडजस्टेड, अलॉटमेंट ड्यू एंड प्रीमियम एडजस्टेड. देखो यहां पर कौन से एंट्री में मैंने प्रीमियम को क्रेडिट किया है? थर्ड एंट्री में कि फोर्थ एंट्री? ये ड्यू है कि रिसीव्ड है? मिलना बाकी है, इस एंट्री में मैंने डाल दिया प्रीमियम. अगर ये प्रीमियम एप्लीकेशन पे होता तो एप्लीकेशन के ट्रांसफर एंट्री इसमें आता, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल टू शेयर प्रीमियम. बैंक वाले एंट्री में कभी प्रीमियम नहीं आता. कौन से एंट्री में आता? ड्यू अमाउंट. अगर सपोज फर्स्ट कॉल में होता, प्रीमियम वॉज विथ फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल का ड्यू अमाउंट का एंट्री है ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल टू प्रीमियम. जहां पर प्रीमियम है उसके ड्यू अमाउंट में प्रीमियम को एडजस्ट करने का, रिसीव्ड में ड्यू अमाउंट कैपिटल के साथ. जब कैपिटल क्रेडिट होगा तभी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा. अभी तक मिला है कि नहीं मिला? मिला नहीं है, रिसीवेबल है. कैपिटल की तरफ इतना मिलना बाकी है, प्रीमियम की तरफ इतना मिलना बाकी, क्रेडिट करके रख दिया अगली बार. अभी आई रिसीव की बारी, तो चेक करो, आर ऑल द शेयर होल्डर्स पेइंग द अलॉटमेंट मनी? रीड. पी वॉज अलॉटेड 500 शेयर्स, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑन 500 शेयर्स, तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, राइट? अब अंडरस्टैंड दिस, बैंक कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट. टोटल मनी ऑन अलॉटमेंट हाउ मच आर वी एक्सपेक्टिंग? 5,60,000. पी ने पे नहीं किया. मेरे को एक बात बोलो, कुछ एक्सेस था पी का लाइन विद द कंपनी? नोट वोट बना नहीं है लास्ट समय किया था वैसे? याद है नोट बनाया था एक्सेस था? इधर किसी का कोई एक्सेस? जो एक्सेस था वो रिफंड हो चुका है. एवरीवन इज एट पास. एवरीवन हैड टू पे हाउ मच ऑन अलॉटमेंट? 7,34,000. हाउ मच? 7. सो पी ऑल्सो हैड टू पे 7. सो हाउ विल यू कैलकुलेट हिज कॉल्स इन? कितना शेयर था उसका? 500 इंटू 7. ये उसने नहीं बनाया.
So 3500 are his calls in. Yes. ये हो गया 5,55,655,55,65,00. This is allotment received and CIA adjusted. ये entry समझा? खाली क्या हो गया? 7 rupees भरना था, तो 7 से multiply. Bank calls in arrears to allot. How many defaulters till now? One. Then we went for first call. What is the entry for first call? First call. Equity share first call. To for equity share first call. To equity share capital. Due amount है कि received है? Due amount. इसमें कोई premium है? नहीं. तो call to capital कितना पैसा company will ask for? 80,000 into what? Two. First call due. चलो now let's receive the money. First call received. Are there any defaulters you check? Yes. क्या दिया पर? Q was allotted 800 shares, did not pay the first call. तो entry क्या बनेगा? Capital. Bank calls in arrears to first call. Calls in arrears to equity share first call. Bank calls in arrears to equity share first call. You tell me now, how much you will write in first call? How much you will write in first call? 1,60,000. Now who is the defaulter? Only PQ or PQ both? PQ. PQ both? Yes. All of you? Because that guy who has not paid the allotment obviously has not paid the first call as well. Yes or no? Yes. देखो पी का कितना शेयर था 500, क्यू का कितना था 800, सो 500 एंड 800 1300 इनटू व्हाट? दिस इज 157,400. अग्री अग्री. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? कॉल्स इन अरियर सेम वे से किया मैंने, जो पैसा भरना था और नहीं भरा. दिस इज फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एंड सीआईए एडजस्टेड. यहां तक के एंट्रीज में एक ही चीज अलग किया मैंने अभी, प्रीमियम. ये हमने किया था रिफंड. ओके, प्रीमियम कौन से एंट्री में? सेकंड. ड्यू अमाउंट थर्ड एंड. अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम. यू गॉट इट? Yes. Now, second call. How much is second call? I think 3 rupees. Mano? Which one? Equity share. Second and final call. Sir, ye second and final likhna padega. Haan. Two equity share capital. Equity share second and final call to equity share capital. Jo bhi last call hai uske jagah final likh dena. Tell me, kitna शेयर्स पे मांगोगे? 80,000 पे इंटू हाउ मच? 2,40,000. इतना ड्यू है, इतना मिलना बाकी है. अगर प्रीमियम होता तो यहाँ पे क्रेडिट होता, सेकेंड कॉल में ड्यू में क्रेडिट होता. सेकेंड कॉल ड्यू. नाउ वी रिसीव द मनी. आर ऑल द शेयर होल्डर्स पे? कैन यू टेल मी हु इज डिफॉल्टिंग? बैंक सीआईए टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. देखो स्पेसिफिकली कोई दिया नहीं है डिफॉल्ट कर रहा है, फिर भी डिफॉल्टर्स है कौन? पी एंड क्यू. किसी का नाम तो दिया नहीं है जो सेकेंड कॉल नहीं भर रहा है. पी क्यू है, पता है? ऑब्वियसली जिन्होंने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं भरा उन्होंने सेकंड कॉल नहीं भरा. तो कितने शेयर्स पे सेकंड कॉल का पैसा नहीं आ रहा? 1300 into 3 3,900 हो गया.
चाहिए था 2,40,000 मिला कितना 246 100 ये सभी 236 100 Is this clear? Look at the board. 236,100. Second call received and CIA adjusted. Bank CIA to second and final call. CIA clear है तीनों का. पहला defaulter P ने allotment नहीं भरा. फिर पी क्यू दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं भरा, पी क्यू दोनों ने सेकंड कॉल नहीं भरा. कंपनी क्या कर रहे हैं? फोर फीट. क्या इन्होंने कॉल से ऐसा पैसा दिया? दे देते तो क्या एंट्री करते हम? बैंक टू सीआईए पैसा आ गया. याद है किया था हमने, इंटरेस्ट भी लिया था 5% टेबल है. यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे फोर फीट हो रहा है. दिस इज फोर फीचर. कितने शेयर कैंसिल करेंगे हम? 1300 शेयर्स कैंसिल करोगे? 800 ऑफ क्यू एंड 500 ऑफ पी. वी आर कैंसिलिंग हाउ मेनी शेयर्स नाउ? 1300 शेयर दोनों का मिला के. तो एक बात बोलो, व्हाट वाज द जर्नल एंट्री फॉर फोर फीचर? कैपिटल टू सीआईए टू फोर फीचर. इधर थोड़ा चेंज हो जाएगा, देखना. एंट्री होएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट. क्योंकि दो चीजें मांगी थी ना हमने, कैपिटल और प्रॉफिट, तो रिवर्स भी दोनों होंगे. तो कैपिटल डेबिट प्रीमियम डेबिट टू सीआईए टू शेयर फोर फीचर. ये नलिफाई कर रहे हो ना, इधर कैपिटल कैंसिल कर रहे हो, तो प्रीमियम भी नहीं भरा तो कैंसिल ही हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, देखो अभी कैपिटल प्रीमियम टू सीआईए टू शेयर फोर फीचर. ओके, घाई मत करना अमाउंट में, कैंसिलेशन हो गया. इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई करो? 3 से 10 से. कैपिटल कैपिटल ऊपर का 4 तो प्रीमियम है, 14 का इश्यू था. कब फोर फीट कर रहे हो? एंड में कर रहे हो ना, याद है लास्ट लेक्चर बिटवीन भी किया था हमने. तो अगर आफ्टर अलॉटमेंट करते तो 2+3=5 होता, आफ्टर फर्स्ट कॉल करते तो 2+3+2=7 होता है, और आफ्टर फाइनल कॉल कैंसिल कर रहे हो तो 10. जितने से कैपिटल क्रेडिट हुआ है उतने से ही डेबिट होगा, जीरो करना है उसको. तो 10 से क्रेडिट हो गया तो 10 से डेबिट करो. 1300 × 10 13,000 हुआ. अब देखो प्रीमियम, प्रीमियम का कंसेप्ट समझो अच्छे से. मैंने क्या किया था इधर, मैंने थर्ड एंट्री में पूरा 3,20,000 का प्रीमियम क्रेडिट किया था, विच वॉज ऑन फुल 80,000 शेयर. सो आई थॉट ऑल 80,000 विल पे दिस प्रॉफिट. मैंने सोचा सबने एप्लीकेशन भरा है तो अलॉटमेंट भी भरेंगे. लेकिन इधर किसने डिफॉल्ट कर लिया? पी ने. क्या नहीं भरा? अलॉटमेंट नहीं भरा. तो उसने साथ में प्रीमियम भी नहीं भरा. ₹7 में 3 कैपिटल था और 4 प्रीमियम था. तो पी ने जो है प्रीमियम भरा ही नहीं है. आर यू गेटिंग दिस? तो पी ने अगर प्रीमियम भरा ही नहीं है, पैसे आए ही नहीं है, तो क्या मैं ये प्रॉफिट दिखा सकता हूँ 3,20,000 पूरा? कितना दिखा सकते हो प्रॉफिट जिसका पैसा आया है? जो पैसा ही नहीं आया उसका प्रॉफिट कैसे दिखा सकते? तो आई विल हैव टू कैंसिल इस प्रीमियम, तो डेबिट होगा. नाउ क्यू, हु वॉज क्यू? क्यू वॉज द सेकेंड डिफॉल्टर हु डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल. कैन आई से दिस? दैट मीन्स ही पेड एप्लीकेशन एंड ही पेड अलॉटमेंट. अगर क्यू ने अलॉटमेंट भरा है मतलब ये प्रीमियम भी भरा है. तो जेन्युइन क्रेडिट पर ये कैश मिल चुका है, तो उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है. उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है. तो प्रीमियम के वक्त सीधा 1300 × 4 मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा. क्या करने का? 500 × 4. क्यों ऐसा किया? जिसने नहीं भरा उसकी गलत क्रेडिट है, उसको ही कैंसिल करना है. जिसने भरा उसकी तो सही क्रेडिट पड़ी है प्रीमियम में, उसको नलिफाई करने की जरूरत नहीं है. तो प्रीमियम का एक सिंपल सा शॉर्ट रूल है, यू कैन रिमेम्बर. फोर फीचर एंट्री में जब प्रीमियम डेबिट होता है तब रूल याद रखना,
प्रीमियम वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड. प्रीमियम वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड. क्या करने का बोलो, प्रीमियम वंस रिसीव्ड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड. जिसका प्रीमियम मिल चुका है उसको डेबिट करने की जरूरत नहीं है. क्यों ने तो प्रीमियम भर दिया, तो रिजर्व लायबिलिटी में दिखता है ना, रिजर्व और एसेट में कैश दोनों पड़ा हुआ है, तो कुछ नलीफाई करने की जरूरत नहीं है. पी ने प्रीमियम नहीं, तो लायबिलिटी में रिजर्व तो है लेकिन एसेट में कैश नहीं है. कॉल से अरियर्स दिख रहा है, तो ये देना बाकी है लेना बाकी है, दोनों को नलीफाई करो. रिजर्व में दिख रहा है प्रीमियम और एसेट में दिख रहा है कॉल से अरियर्स. पैसा भरा नहीं है, कैंसलिंग बोथ. जिसने प्रीमियम भरा है उसको डेबिट करने का जरूरत नहीं है, नहीं भरा उसको डेबिट करेंगे. इज दिस क्लियर? शेयर प्रीमियम विल बी डेबिटेड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 500 और 1300 और 800. 500 इंटू 4. किसका 500 लिया मैंने समझा? पी का 500 लिया. पी ने अलॉटमेंट नहीं भरा मतलब उसने प्रीमियम नहीं भरा. प्रीमियम नॉट रिसीव शुड बी डेबिटेड. डेबिटेड यस. रिसीव्ड है तो डेबिट करने की जरूरत नहीं है. तो 500 इंटू 4 कितना हुआ ये? 2000. अभी कॉज इन अरियर्स देखो, यहाँ से मिल जाए 3500 प्लस 2600 प्लस 3900 कितना हो रहा है टोटल? 10,000. दीज आर कॉल्स इन अरियर्स. 5000 इज शेयर फॉरफीट. अभी इसका भी गम्मत देखो, इधर गम्मत पी एंड क्यू. शेयर फोर फीचर मिला. शेयर फोर फीचर में कौन सा अमाउंट रहता था? जो वो लोग ने भरा है, जो वो लोग ने टूवर्ड्स कैपिटल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टूवर्ड्स कैपिटल, नॉट टूवर्ड्स प्रीमियम. टूवर्ड्स कैपिटल. व्हाई नॉट टूवर्ड्स प्रीमियम? प्रीमियम का प्रॉफिट अलग रिजर्व में पड़ा है, उसको वापस क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है. शेयर फोर फीचर में वही प्रॉफिट है विच दे हैव पेड टुवर्ड्स कैपिटल. जो 10 रुपया था ना कैपिटल फेस वैल्यू, तो 10 रुपए की तरफ जो पैसा भरा था ना वो हड़प लिया हमने, वो यहाँ पे पड़ा है फोर फीचर में. और जो प्रीमियम का पैसा है वो इसमें पड़ा हुआ है, ऑलरेडी क्रेडिटेड है, वापस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. दोनों कंपनी के प्रॉफिट ही है. Are you understanding? Share for feature is also profit. Premium is also profit. Premium में premium का पैसा बढ़ा है, share for feature में capital का पैसा बढ़ा. दोनों को mix मत करना. Now, share for feature. Listen, share for feature में 5000. कौन सा पैसा है? Money received towards capital. Tell me how many shares of P were there? 500. Into क्या भरा उसने? Only application. Two rupees. नो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट भरा ही नहीं है, तो 500 इंटू 2000 स्टोरी ओवर. व्हाट डिड क्यू पे? 4000. क्यू पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, करेक्ट? सो ही पेड 2, एक्चुअली ही पेड 7, बट आई एम नॉट टेकिंग 7 ओवर, आई एम टेकिंग 2 प्लस 3, 5. क्यों 2 प्लस 3 5 लिया समझा? 800 इंटू 5, 2 प्लस 3 5 क्यों लिया? क्योंकि 3 4 रुपीज प्रीमियम था यहाँ पे, वो प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी ये रिजर्व में क्रेडिटेड है. वापस ले लूंगा तो डबल क्रेडिट हो जाएगा, विच इज रॉन्ग. ये प्रॉफिट अलग है, ये प्रॉफिट अलग है. इसमें कौन सा है? 10 के ऊपर जो आया ना वो पैसा, और इसमें 10 तक जो भरा था, 10 रुपीज तक जो भरा था वो पैसा है. अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल. टू सेपरेट प्रॉफिट द कंपनीज है. इसलिए याद है कल हमने एक केस में 10 का 11 में रीइश्यू किया था, फिर मैंने बोला था प्रीमियम से क्रेडिट करो और रुक जाओ. सो 10 के ऊपर कुछ आता है, फेस वैल्यू के ऊपर कुछ आता है, वो प्रॉफिट हमेशा किसमें जाता है? प्रीमियम. और फेस वैल्यू तक कुछ पैसा हड़पा है तो वो प्रॉफिट किधर जाएगा? फोर फीचर. इज दिस क्लियर? दोनों को मिक्स मत करना. दिस इज फोर फीचर. इसके बाद क्या हो रहा है? रीइश्यू हो रहा है. कितने प्राइस पे रीइश्यू? 9. तो गेरे की लॉस, कहां से लोगे लॉस? फोर फीचर. कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे? 1300 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो. एंट्री क्या बनेगा? बैंक शेयर फोर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बैंक शेयर फोर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कैपिटल में हाउ मच विल राइट? 1300 इंटू 10 इज 13000. बैंक में कितना मिला? 1300 इंटू
11700 एंड लॉस कितने का हुआ 1300 का हुआ दैट इज 1300 इनटू 1 ये क्लियर हुआ जेब से लिया मेनी टाइम्स यू हैव डन लॉस फोर फीचर से लेना है इमीडिएटली व्हेन यू रीच यू व्हाट एक्स्ट्रा एंट्री यू नीड टू पास मूविंग इट ओवर हियर इट इज शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व अग्री कैसे करना है सबका प्रॉफिट माने सबका लॉस सबका प्रॉफिट कितना है सबका प्रॉफिट 5000 क्रेडिट टू बाय फोर फीचर कंपनी का हड़पा हुआ पैसा इधर कैपिटल का दिख रहा है माइनस लॉस कितना है 1300 सबका प्रॉफिट 5000 माइनस सबका लॉस 30 प्रीमियम को हाथ नहीं लगाने का उसमें रहने दो जो भरा हुआ प्रॉफिट ये कैपिटल कैपिटल का एक स्टोरी चालू है इधर सबका प्रॉफिट 5000 माइनस सबका लॉस 1300 कितना हुआ 3700 इज व्हाट यू विल ट्रांसफर तो दिस इज शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल मुझे जरा दिमाग लगाओ और बताओ इस इश्यू में ये पूरा इश्यू खत्म हो गया इस इश्यू में कंपनी ने थोड़ा प्रॉफिट्स भी किया कितना प्रॉफिट हुआ 4-9 टोटल अमाउंट में बोलो कितना प्रॉफिट फोर फीचर अपना कैपिटल रिजर्व में फोर फीचर का कितना है प्रॉफिट 3700 वो प्रॉफिट हुआ ही है ये कहां से हुआ समझा जो पुराने ने बढ़ा था हड़पा न्यू का लॉस एडजस्ट कर प्रीमियम का भी प्रॉफिट हुआ है ये प्रॉफिट 3700 ये समझा प्रीमियम का प्रॉफिट कितना इज इट 3,20,000 माइनस 2 जिसने नहीं भरा तो 318 दैट इज अ प्रॉफिट टुवर्ड्स 3 समझा कि नहीं टोटल प्रॉफिट वॉज 320 जिसमें से इसको डेबिट कर दिया इसने नहीं भरा जिन्होंने भरा उसका प्रॉफिट जेन्युइन है दैट इज 3,80,000 प्लस दिस कैपिटल का प्रॉफिट 3,700 इस मच प्रॉफिट द कंपनी डिड ऑन इश्यू 21st लास्ट सम Next time.